हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। फाइनली वो दिन आ गया है जिसका था हर किसी को बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, साल खत्म होने से पहले अब शाहरुख ने एक बार फिर से कर दिया है बॉक्स ऑफिस पर धमाका, और शाहरुख खान की मच अवेटेड और मोस्ट डिमांडिंग फिल्म जवान अब रिलीज हो गई है। इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टर एटली ने बनाया है और ये फिल्म बहुत ज़्यादा अलग है। इस फिल्म में उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। शाहरुख खान के अलावा इस फिल्म में नयनतारा नजर आएगी, रिद्धि डोगरा है, सनाया मल्होत्रा का इसमें बहुत अच्छा खासा रोल है। इतना ही नहीं, विजय सेतुपति भी इस फिल्म का हिस्सा है। इस फिल्म में एक्शन है, इमोशंस है, मेलो ड्रामा है, और इस फिल्म में आपको शाहरुख का एक एलिवेटर अंदाज भी देखने को मिलेगा। बता दूं आपको, शाहरुख खान जवान में डबल रोल में नजर आने वाले हैं, फुल ऑन एक्शन है। हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान ने इस साल की शुरुआत फिल्म पठान से की थी। पठान ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और अभी तक कोई भी पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। और अब जो शाहरुख खान है वो गदर मचाने के लिए जवान लेकर आ गई है बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म रिलीज हो चुकी है, फिल्म से फैंस की काफी उम्मीदें बंधी है, और अब फिल्म जब आज रिलीज हुई तो फिल्म के डायरेक्टर भी इस फिल्म के फर्स्ट शो को देखने के लिए निकले हैं। उनकी पत्नी ने एक फोटो ट्वीट करके बताया कि कितनी एक्साइटमेंट है उनमें। वही मुंबई के गेटी गैलेक्सी सिनेमा हॉल के बाहर सुबह 6 बजे ढोल बजे, नगाड़े बजे, फैंस बेताब है इस फिल्म को देखने के लिए। एक अलग ही क्रेज बना हुआ है, और ऐसे में माना जा रहा है 300 करोड़ के बजट वाली जो ये फिल्म है ना, ये इस बार बम्पर ओपनिंग करने वाली है। मैं आपको बता दूं कि एडवांस बुकिंग में 17 लाख रुपए फिल्म रिलीज से पहले ही कमा चुकी थी। 7 लाख से ज्यादा इस फिल्म के टिकट्स बिके और 17 लाख की कमाई हुई। वही उम्मीद ये है ट्रेड एनालिस्ट के द्वारा कि जो ये फिल्म है शाहरुख खान की, इस फिल्म में पहले दिन 60 करोड़ का बिजनेस कर सकती है ये फिल्म। और पहले 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर देखा जाए तो 400 करोड़ कमाने की जवान की उम्मीदें बनी हुई है। ऐसे में मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि शाहरुख खान की लकी चार्म और बॉलीवुड के फैंस की दिलों की धड़कन दीपिका का भी इस फिल्म में कैमियो रोल होगा। तो गाइस, कीप योर फिंगर्स क्रॉस। मैं आपको यही कहूंगी कि जो जवान है ना, इसका जो बज है वो सुपर डुपर बना हुआ है, इसलिए ये फिल्म को एक बार तो देखा ही जाएगा हर फैन द्वारा। लेकिन गाइस, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकल कर आ रही है कि जो शाहरुख खान है उनका एक अलग डिफरेंट वाला जो एक फेज है वो इसमें देखने को मिलने वाला है, जो कि इस फिल्म की यूएसपी भी बताया जा रहा है। तो गाइज, आप कितना एक्साइटेड है मुझे बताइए कमेंट में, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म को देखने के बाद इसके रिव्यू के बारे में। अभी मैंने आपको एक एक पहला रिव्यू शेयर किया है जो कि फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बेताबी दिखा रहे हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।